हमीरपुर के टाउन हॉल में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन और व्यापार मंडल हमीरपुर की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें शहर में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर कोरोना काल से निपटने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर एसपी हमीरपुर कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने भी शिरकत की। एसपी का पहुंचने पर पुष्प देकर स्वागत किया गया। बैठक में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश चंद, व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी ने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए एजेंडा रखा, जिसमें एसपी कार्तिकेन गोकुल चंद्रन ने व्यापार मंडल को सुझाव दिया कि शहर में फिलहाल 40 सीसीटीवी कैमरों को स्थापित किया जाए ताकि सुरक्षा की दृष्टि से बाजार सुरक्षित हो सके। आप सबके दुकानों में तो अंदर के तरफ से सभी लोगों ने सीसीटीवी लगाया होगा, क्योंकि अंदर की जो मतलब आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आप रखते हैं उसकी मतलब, और जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर एक निगरानी रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से अगर हम बाहर जो सड़क है, जो रास्ता है या कोई चौक है, वहाँ पर हम सब कंट्रीब्यूट करके एक साथ मिलजुल के अगर एक सीसीटीवी लगाएंगे, उसका फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट अपने उसके ऊपर जब भी ज़रूरत पड़ती है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। आप भी कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए, सिर्फ चोरी ही नहीं, हम चोरी के तरफ ही नज़र रखने से मतलब हम उसका एक ही उद्देश्य नहीं है, परंतु कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई महिलाओं के खिलाफ कोई अत्याचार हो जाता है, कोई किसी को आपको पता ही है कैसे होते हैं, कोई एक्सीडेंट का केस हो गया, इन सब मतलब ऐसे इश्यूज में सीसीटीवी का बड़ा उपयोग होता है। तो मतलब हम इमीडिएटली उसे देख पाते हैं, जो भी कल्प्रिक है उनके खिलाफ हम इमीडिएट कार्रवाई कर पाते हैं। इमीडिएटली हम मीडिया को भी बता पाते हैं कि चलिए ये थे, इनकी गलती थी और इसका वीडियो फुटेज है। तो जब सीसीटीवी हो जाता है तो आपके लिए भी मतलब काफ़ी ईजी हो जाता है, क्योंकि मेरा मानना यही है कि हिमाचल प्रदेश एक अच्छा स्टेट है जिसमें लोग सुरक्षित तरीके से अभी रह रहे हैं, कोई अभी यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बिजनेस एंटरप्राइज ये सब बढ़ने की बहुत अच्छी मतलब एक प्लेटफॉर्म है। बैठक में चर्चा की गई कि आगामी दिनों में हमीरपुर में व्यापार मंडल भी पीपीए की तरह कोरोना बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू करेगा, जिसमें व्यापार मंडल अपने स्तर पर लोगों को मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने के लिए जागरूक करेगा। सुरक्षा आपके जो दुकान में है, आपके जो बिजनेस एंटरप्राइज है, उसमें जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा बहुत ध्यान में रखें। ज़रूरत पड़ता है तो आप हमारे SHO से संपर्क करें, DMO से संपर्क करें, उनका रैपिड टेस्ट करवाएं। आप करवा के आपकी सुरक्षा के लिए आपको क्या ज़रूरत लगता है वैसे करिए। सोशल डिस्टेंसिंग का टाइमली आप अनुपालन करिए, क्योंकि हमारे DG साहब भी अभी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा हमें ना एक प्रेशर बना के रखना चाहिए। अभी PPA के हमारे मेंबर्स भी थे जो पिछले 2 हफ्ते पहले एक अवेयरनेस कैंपेन किए थे, उसके लिए आपको धन्यवाद। उसके वजह से आम जनता को और हम सबको ये सब इन सब हमारा न्यू नॉर्मल जो अभी लाइफ हमारा है, पहले जैसा था अभी पूरा अलग हो चुका है। तो इसके बारे में हमें मतलब जानकारी होनी चाहिए, तो इसके बारे में जानकारी लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में पुलिस पब्लिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष संजीव सिंह, महासचिव राजीव पुरी, कोषाध्यक्ष मुनीश, प्रेस सचिव जसबीर कुमार, अरविंद सिंह, मुन्ना वर्मा, जसवंत सिंह के अलावा व्यापार मंडल के पदाधिकारी विपिन शर्मा, सुशील सोनी, अश्विनी जुगोत्ता इत्यादि मौजूद रहे।